हेलो एवरीवन, लीगल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934। ये टॉपिक पर आज लेक्चर बनाने का जो मेन प्रयोजन है वो है कि बिहार जुडिशरी के पीटी एग्जाम को फोकस करना, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एनआई एक्ट को बताया था कि एनआई एक्ट की कैसे नोट्स बनाए, कैसे पढ़ें और किन पार्ट को पढ़ें, किन पार्ट को छोड़ें। तो उसी क्रम में आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हमने दो भागों में बांट दिया, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हम डील करेंगे सेक्शन 30 तक और पार्ट टू में डील करेंगे सेक्शन 31 से लेकर के 74 तक। तो आज का जो मेन पार्ट वन है वो हमें कहां तक पढ़ना है, फ्रॉम सेक्शन 1 से लेकर के 30 तक। अब थोड़ा सा पार्टनरशिप की थोड़ी सी हिस्ट्री पे हम फोकस करते हैं कि जो पार्टनरशिप है वो 1932 के पहले उसकी क्या कंडीशन थी। तो ये हमें पता है कि इसके पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ये चैप्टर 11 में इसे शामिल किया गया था और ये सेक्शन 239 से 266 तक था। अब चूंकि वो जो चैप्टर 11 में शामिल किया गया था तो वो बेसिकली इंडियन लॉ रिपोर्ट के 1866 में जो प्रावधान थे, जो उसकी रिकमेंडेशन थी, और इंग्लैंड के जुडिशियल डिसीजन पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और काफ़ी सारे डिस्प्यूट अराइज हुए तो इस बात की जोर हुई कि क्यों ना पार्टनरशिप एक्ट को एक अलग ही एक्ट के रूप में बनाया जाए और उसके ताकि सारे डिस्प्यूट जो हो उसको एक ही साथ क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि पार्ट वन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पार्ट वन क्या है। तो अब यहाँ पे इसके मेन फीचर्स पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भी बेयर एक्ट हम जब तैयार करने की शुरू करते हैं, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, तो हमेशा उसके थोड़ी सी हमें प्रीलिमिनरी स्टेज पे देखना चाहिए कि आखिर वो एक्ट कब बना, उसका इन्फोर्समेंट क्या था, एक्ट नंबर क्या था, प्रियम्बल क्या था। इन सारी चीजों को एक बार देख लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्री के एग्जाम में क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जाए इसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक्ट नंबर दिया हुआ है 9 दिया गया है और ऑब्लिक 1932 को किया गया, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो 1932 में जितने एक्ट बनाए गए तो उनमें पार्टनरशिप एक्ट का क्या नंबर था, सीरियल नंबर 9 था। तो ये भी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, अब हम देखते हैं कि इस पार्टनरशिप एक्ट का क्या मेन प्रीएम्बल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य का है। तो यहाँ पे उद्देश्य के बारे में दिया है कि To define and to amend the law relating to partnership, यानी जो भागीदारी विधि के बारे में जो भी नियम है उनको क्या किया जाए, उनको define करना, परिभाषित करना और उनमें क्या करना, संशोधन करना, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट को हमेशा अपडेट रखने की जरूरत है। तो अब इसके इन्फोर्समेंट पे आते हैं कि आखिर इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन्फोर्समेंट के बारे में दिया हुआ है कि इसके लिए दिया है कि यह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932, यानी कि 1 अक्टूबर 1932 को कि भारतीय भागीदारी नियम लागू हुई। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इसका जो सेक्शन 69 है यह फर्स्ट, तो सेक्शन 69 में जो इसको लागू इन्फोर्स किया गया 1 अक्टूबर 1933 को, इसका मतलब इसके एक साल बाद ये सेक्शन को 69 लागू होगी। सेक्शन 69 क्या है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद दिया गया, अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट है, इसलिए ये इसको एक साल बाद लागू किया गया है। तो यहाँ पे इस बात को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 69 कम्स इनटू फोर्स। तो ये डेट दोनों याद रखनी है, ये पूरा एक्ट लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 को, जबकि सेक्शन 69 इसको एक साल बाद लागू की गई है, ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। अब दूसरा आते हैं, अभी देखते हैं कि इस एक्ट का विस्तार कहां तक, ये कहां तक स्टैंड है। अब तक हमने जितने भी एक्ट को देखा उसमें मैक्सिमम में यह प्रयोग किया गया है कि दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है कि
31 अक्टूबर 2019 से, चूंकि आर्टिकल से 370 घटा दिया गया है, तो अब मैक्सिमम एक्ट को जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया। अब पार्टनरशिप के लिए आप क्या कहेंगे कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पहले था एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अब ये यहाँ पे ये कट जाएगा, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस डेट से हुई है, 1 अक्टूबर 2019 से पार्टनरशिप पूरे जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गई है। तो ये डेट हर एक्ट के लिए लागू होगा, इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं इस पार्टनरशिप एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं। तो इसमें पार्टनरशिप में टोटल सेक्शन कितने हैं, 74 सेक्शन हैं, ये चीज याद रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रीम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा है कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो टोटल चैप्टर्स इसमें 8 हैं, ये भी देखने की जरूरत है। और उसके बाद टोटल शेड्यूल्स यानी कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल अनुसूची 2 है, 2 शेड्यूल्स फॉर्मेट की गई हैं। अब उसके बाद अब इसमें भी देखना है कि जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें क्या दिया गया, उसमें मैक्सिमम फी के बारे में दिया गया, अधिकतम फीस क्या रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म को रजिस्टर्ड कराता है, रजिस्टर्ड ऑफिस जाता है, तो उसकी क्या फीस डिसाइड की गई है, उसके बारे में ये शेड्यूल साफ साफ प्रावधान करती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ शेड्यूल 2 जो है, इसको रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है, किसके द्वारा, बाय द रिप्लेशन एक्ट 1893 के सेक्शन 2 के तहत ये निरसित कर दिया गया है। तो यहाँ भी प्री के क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जा सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम थोड़ा इधर आते हैं, ये देखते हैं कि ये अब हमके पार्ट 1 में हमें स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पे हमने सेक्शन 1 में देख लिया क्या क्या चीजें हैं, ये सेक्शन 2 में बेसिकली देखना है कि सेक्शन 2 क्या बात करती है, डिफिनेशन की बात करती है, परिभाषा बताती, क्यों बताती है, क्योंकि इस एक्ट में बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो बार बार प्रयोग किए गए हैं, तो उनको शुरू में ही बता दिया गया तो उनका वास्तव में क्या अर्थ है, क्यों इसका यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो अब पहला जो आता है वो आता है एक्ट ऑफ फर्म, सेक्शन 2 के क्लॉज ए में क्या दिया, एक्ट ऑफ फर्म। एक्ट ऑफ फर्म का मतलब फर्म का कार्य क्या है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, बिना फर्म के कार्य को हम फर्म को लायबल कैसे बना सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि इसको कैसे किसे कहते हैं कि कोई कार्य फर्म का कार्य है, इसके लिए दिया गया कि समस्त भागीदार यानी ऑल पार्टनर्स और कोई एक भागीदार और एनी वन पार्टनर या उनके किसी एजेंट के द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य या लोग या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करते हैं जिनके द्वारा फर्म के द्वारा या फर्म के विरुद्ध कोई अधिकार सृजित होता है, उनके विरुद्ध कोई अधिकार सृजित होता, कोई राइट अराइज होता है, तो उसे हम फर्म का कार्य बोल लेते हैं। वास्तव में ये कंसेप्ट देखा जाए तो कहा जाएगा कि जब कोई भी कार्य फर्म का कार्य तब माना जाएगा जब वो फर्म के नियोजन के अनुक्रम में किया गया, मतलब इन द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, यानी फर्म का जो काम है उसके नियोजन अगर नहीं किया गया जाएगा तो वो फर्म का कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 2B में क्या दिया गया, बिजनेस को डिफाइन किया, यानी कारोबार क्या है। तो कारोबार में क्या बातें आती हैं, कारोबार में 3 बातें आती है, ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, उसके बाद ऑक्यूपेशन दिया है और तीसरा दिया प्रोफेशन। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड का मतलब क्या, व्यापार हो गया, और ये ऑक्यूपेशन का मतलब होता है उपजीविका, और प्रोफेशन का मतलब होता है वृत्ति। इन तीनों को कारोबार में शामिल किया गया, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ये क्वेश्चन जरूरी क्योंकि यहां से कोई एक चीज उसमें जोड़ करके वो एक इस पर पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं यहां पे आते हैं प्रिस्क्राइब, यानी सेक्शन 2C में प्रिस्क्राइब की बात की गई, प्रिस्क्राइब मतलब विहित, प्रिस्क्राइब क्या है। तो सेक्शन 2C में कहा गया है कि ऑल द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी जो भी नियम इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिस्क्राइब बोलेंगे, विहित बोलेंगे। अब देखें हैं, अब अगला जो है वो 2D है, 2D में क्या दिया है, थर्ड पार्टी के बारे में दिया गया है कि थर्ड पार्टी होता क्या है, ठीक है। तो अब थर्ड पार्टी में दिया गया है कि ए पर्सन हु इज नॉट द पार्टनर ऑफ द फर्म, ऐसा व्यक्ति जो फर्म का भागीदार नहीं है उसे क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी कहेंगे, तृतीय व्यक्ति कहेंगे, तृतीय पक्षकार कहेंगे। तो ये सब वर्ड्स हमारे पार्टनरशिप एक्ट में यूज किया गया, प्रयोग किया गया, इसलिए इनको यहीं पर क्लियर कर समझा दिया गया। अब हम आते हैं सेक्शन 2E और सेक्शन 3 को एक साथ कनेक्ट करते हैं, इन दोनों सेक्शनों को
एक साथ कनेक्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2E में साफ साफ कह दिया गया है कि एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस अधिनियम में जो शब्द हैं वो प्रयोग तो किए गए कि परिभाषित नहीं, डिफाइंड नहीं है, उनकी क्या मतलब होगा। तो यहां पर दिया है दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे डिफाइंड नहीं है इस पार्टनरशिप में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है वो, तो उनका वही अर्थ होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस शब्द का डिफाइंड किया गया, ये चीज क्लियर कर दिया गया। और सेक्शन 3 साफ साफ क्लियर करती है, क्या कहती है कि ऐसे सभी नियम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिपील नहीं किए गए हैं, अगर वो इस पार्टनरशिप एक्ट के इनकंसिस्टेंट हैं, कंट्राडिक्टरी हैं, तब उसको छोड़ करके क्या होगा, वो सारे कानून पर लागू। मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सप्रेस रूल जो है अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से कंट्राडिक्टरी है तो वो लागू नहीं होगा, लेकिन अगर कंट्राडिक्टरी नहीं है तो वो पूरा का पूरा नियम फर्म पर लागू। ये सेक्शन 3 तक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं, तो अब यहाँ पे सेक्शन 4 को डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे देखना कि सेक्शन 4 में कौन कौन से वर्ड डिफाइन किए गए, क्योंकि ये भी पीटी एग्जाम में जरूर पूछता है कि कौन से वर्ड्स सेक्शन 4 के तहत परिभाषित नहीं किए गए हैं, व्हिच वर्ड्स हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये वर्ड हमें पता होना चाहिए। पहली बात समझाने की कौन कौन से वर्ड है, पहली बात तो पार्टनरशिप डिफाइन किया गया कि पार्टनरशिप होता क्या है, यानी कि भागीदारी बताया गया। दूसरा बताया गया कि पार्टनर कौन होते हैं। तीसरा बताया गया फर्म क्या होता है। और चौथा जो इसमें वर्ड डिफाइन है वो फर्म नेम, यानी फर्म का नाम। इन चार वर्ड को सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया। अब देखते हैं कि सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का क्या डिफिनेशन होती है। तो दिया है कि जो भागीदारी है यानी जो पार्टनरशिप है क्या है, वह दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध है जो किसी कारोबार में लाभों का अंश पाने के लिए करार करते हैं और जो उनमें से सभी भागीदारों द्वारा या किसी एक के द्वारा उन सबकी ओर से चलाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप आर द रिलेशन बिटवीन दोज हु हैव एग्रीड टू शेयर द बेनिफिट ऑफ ए बिजनेस, हु हैव एग्रीड to share the benefit of the business and carried on by all or any of them from to the all, यानी सबके लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि व्यक्तियों के बीच रिलेशन होता है जो इस एग्रीमेंट में बेस्ड होता है कि उन्हें किसी बिजनेस में क्या करना, शेयर करना है, उसमें कोई किसी बिजनेस में शेयर लेना है यानी बेनिफिट लेना है, और उसके साथ साथ वो लोग क्या करेंगे, या तो सब मिलके उसको चलाएंगे या कोई एक मिलके सबके लिए चलाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसको क्या बोलते हैं, ये इनको क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। अब जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति उस फर्म में भागीदार हैं, उन्हें क्या कहेंगे, भागीदार कहेंगे। जो व्यक्ति उसमें जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस में लाभ ले रहे, क्या है, दे आर इंडिविजुअली टू पार्टनरशिप, वो आपस में क्या है, भागीदार है। और फर्म का कहलाएंगे उनका जो कलेक्टिव फर्म होगा, संयुक्त रूप जो होगा, जो क्या होगा, वो फर्म होगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि फर्म नेम क्या है। अब वो भागीदार जिस नाम से फर्म को चलाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, फर्म नेम कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये चार डिसीजन आपको पार्टनरशिप एक्ट दी गई है। यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि फर्म नेम जो दिया गया उसको सेक्शन 58 के तीसरे क्लास से हम कनेक्ट करा सकते, कैसे कनेक्ट कराएंगे, क्योंकि सेक्शन 58 के क्लास 3 में दिया गया है कि फर्म का नाम कौन कौन सा नहीं रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी फर्म को बनाएगा, कोई फर्म एस्टेब्लिश करेगा, वो फर्म का नाम क्राउन नहीं रखेगा, क्वीन नहीं रखेगा, गवर्नमेंट नहीं रखेगा, इन सारी चीजों को प्रतिबंध किया गया है कि फर्म का नाम इनके अलावा रखा जाएगा। तो ये फर्म और फर्म के नेम को रखने में क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये भी यहां आपको कनेक्ट करके पढ़ना होगा। अब आते हैं सेक्शन 5 में क्या कहता है। देखिए सेक्शन 5 में एक वर्ड कहा गया है कि भागीदारी की उत्पत्ति संविदा से होती है, फ्रांसिस से नहीं। मतलब कौन, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्टेटस, ये समझना जरूरी है। यहां पे दो वर्ड यूज हुआ है, पहला कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा स्टेटस, ठीक है। यह चीज समझना है कि आखिर भागीदारी को संविदा से उत्पन्न माना गया और
स्टेटस नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 में ये वर्ड दिया गया है कि भागीदारी की उत्पत्ति संविदा से होती है, स्टेटस से नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा समझे कि आखिर स्टेटस और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट और स्टेटस, यानी कि ये भागीदारी है, पार्टनरशिप है ये। अब देखिए यहां पे समझिए इस चीज को। यहां पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई पार्टनरशिप क्रिएट होती है उसमें दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रपोजल करते हैं, उसमें वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कंसीडरेशन होता है, सारी चीजें होता है। तो अब यहां पे ये चीज देखना कि भागीदारी में ये चीज होती है और स्टेटस क्या होता है। स्टेटस में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे देखिए, जैसे HUF, ये क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जो हिंदू में संयुक्त परिवार होता है उनके बीच में जो संबंध होते हैं बिना किसी संविदा के होते हैं, और उन उनमें सबके अधिकार दायित्व तो कहां से उत्पन्न होते हैं, उस हिंदू विद के द्वारा होते हैं। उसमें किसी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं माना जाएगा, तब तक भागीदारी रिलेट नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी, जब तक उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, अब इसी में एक चीज और दिया गया है कि ये जो बुद्धिस्ट है हस्बैंड एंड वाइफ कौन से, बुद्धिस्ट, ये क्या है, इनको जो है इनको भागीदार नहीं माना गया है। ये स्टेशन रखा गया कि जो बर्मी बुद्धिस्ट है, जो बर्मी बुद्धिस्ट है उसके पति पत्नी आपस में अगर कोई कारोबार करते हैं तो वो क्या है, वो भागीदार नहीं माने जाएंगे। तो ये आपको सेक्शन 5 में साफ साफ क्लियर कट कर दिया गया है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट, नॉट स्टेटस। मेन चीज इसका ये है। इसमें देखते हैं, इसमें एक चीज और है, इसमें एक केस लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग बता रहा हूं कि सेक्शन 5 पे लैंडमार्क केस है जिसका नाम है नानचंद वर्सेस सेठचंद गंगाराम केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ सेटल किया है। क्या सेटल किया है कि यही वर्ड कहा है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्टेटस। इस वर्ड को इस केस लॉ के द्वारा सेटल किया गया। तो ये केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस केस लॉ में, अंडर व्हिच केस लॉज इट वाज डिसाइडेड दैट द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्टेटस। ये केस लॉ इस पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे एक केस लॉ और बताते हैं आपको। यहाँ पे दो तीन केस लॉ और बता देते हैं क्योंकि जो पार्टनरशिप बहुत लैंडमार्क केस है। इस पे एक केस लॉज है आपका CIT मद्रास वर्सेस भाग्य लक्ष्मी का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, ये कब का केस है इसको जानिए। ये केस है 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लॉ सेटल किया गया है। ये कहा गया है कि एग्रीमेंट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी भागीदारी का जो मुख्य आवश्यक तत्व क्या है, करार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में यह साबित कर दिया कि जो करार है, जो एग्रीमेंट है, वो पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी विदाउट एग्रीमेंट देर इज नो पार्टनरशिप। इसके बाद एक केस लॉ बताते हैं जो लैंडमार्क केस लॉ है, वो है कॉक्स वर्सेस हिकमैन। ये है आपका 1860 हाउस ऑफ लॉर्ड। ध्यान देना, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस है और ये 1860 का हाउस ऑफ लॉर्ड का केस है। ये भी प्रिंट पूछ सकता है कि कॉक्स वर्सेस हिकमैन केस किस ईयर में डिलीवर किया गया, उसमें कोर्ट का क्या नाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी के लिए है। इसलिए मेरा ये टारगेट हमेशा रहा है कि इस लेक्चर में आपको अगर पार्टनरशिप आप पढ़ते हैं तो कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक ना होने पाए। इसलिए आप देखिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें जज का नाम भी आप जानिए क्योंकि जज का नाम भी पूछता है। इसका नाम इसमें जज साहब है जस्टिस क्रेनवर्थ, ये जज का नाम है। तो अब इस
कॉक्स वर्सेस हिटमैन का जो लैंडमार्क केस है इसमें कौन जस्टिस है, तो इसको याद रखना जरूरी है कि जस्टिस कौन है, जस्टिस क्रेनवर्थ। ये क्वेश्चन भी पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कॉक्स वर्सेस हिटमैन के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या कहा था, अब इसको हम डिटेल में सेक्शन 6 में हम इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसमें इतना कहा गया था कि किसी भी पार्टनरशिप एक्ट के लिए केवल लाभों में अंश पाने का करार ही पर्याप्त नहीं है। फॉर एनी पार्टनरशिप ओनली शेयरिंग द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशियंट, बट देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी। केवल लाभों का अंश पाना नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए, पारस्परिक अभिकरण भी होना चाहिए, उस फर्म को चलाने का इंटेंशन भी होना चाहिए। ये बेसिकली इस मामले में कहा गया है। तो ये केस, तीनों केस आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों केस इन सेक्शन 4, 5, 6 पे एक लैंडमार्क केस है। अब हम सेक्शन 6 को आपको बताते हैं कि सेक्शन 6 में हमें क्या देखना है, कैसे देखना है। देखिए सेक्शन 6 पे आते हैं। सेक्शन 6 ये बताती है कि किसी फर्म को डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम समझेंगे कि जो कई व्यक्ति हैं उन्होंने पार्टनरशिप निर्माण किया है कि नहीं, फर्म का निर्माण किया है कि नहीं है, किस बात से चेक होगा, क्या लाभों में अंश प्राप्त करते हैं वो, क्या वो सब भागीदार माने जाएंगे, दे आर ट्रीटेड एज द पार्टनर्स आर नॉट। तो यही कहता है सेक्शन कि डिटरमिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी भागीदारी का निश्चय कैसे करते हैं, इसके बारे में दिया है कि डिटरमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का कैसे हम क्राइटेरिया करेंगे, इसके बारे में दिया कि प्रश्न है कि कई व्यक्तियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ ए पर्सन वेदर इज पार्टनर Whether are partnership of firm or not। तो इसके लिए दिया गया कि भागीदारों में केवल, सेक्शन 6 साफ साफ कहती है कि केवल भागीदारों के द्वारा लाभों में अंश पाने का करार कर लेना ही भागीदारी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य तो हो सकता है, लेकिन वह निश्चायक सबूत नहीं होगा। क्यों क्यों? क्योंकि वल्ली Sharing the benefit of partners is the prima facie evidence of partnership, but not it is conclusive proof। इसका मतलब क्या है? और क्या चाहते हैं वो? आप लाभों में अंश तो पाइए, इसके साथ साथ आपके अंदर म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट करने का इंटेंशन भी हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? जो पक्षकारों के इंटेंशन से मालूमगा कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है, फर्म को चलाना चाहते हैं नहीं चलाना चाहते हैं। अगर उनके अंदर इंटेंशन है, लाभों को पाने का करार है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो किसी फर्म के पार्टनर माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। इसमें और भी चीजें हैं, और भी इसमें दिया गया क्लॉज कि अगर कोई सर्वेंट है, कोई एजेंट है, तो वो अगर वो पारिश्रमिक पा रहा है, रिमुनरेशन पा रहा है, तो भागीदार नहीं होगा, पार्टनर नहीं होगा। अगर कोई विधवा है, कोई विडोज है, किसी पार्टनर की कोई विडो है, अगर वो एनुअल कोई अमाउंट पाती है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो पार्टनर नहीं है। ये चीज इस सेक्शन में क्लियर कर दिया गया है। तो वही चीज कह रहे हैं, इसे मैंने बताया था कि कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस सेक्शन 6 को ही डिसाइड करता है क्या, कि वनली टू शेयरिंग द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर, only to share the benefit of a business is not the prima facie evidence of the partnership, but there must be mutual agency। उनके बीच में mutual agency होनी चाहिए। अगर ये mutual agency नहीं है, तो partnership नहीं हो। ये बहुत important है section 6। अब हम आपको section 7 को थोड़ा बताते हैं, section 8 बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं section 7 क्या है, जो बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल। इसका मतलब क्या है? इच्छाधीन भागीदारी, ऐसी भागीदारी जो पार्टनर्स की इच्छा पर, बिल पे डिपेंड है, इसको बोलते हैं इच्छाधीन भागीदारी। अब इसको देखते हैं क्या है। तो इच्छाधीन भागीदारी के बारे में दिया गया है सेक्शन 7 में कि जहां किसी
पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी कि उसके अस्तित्व के बारे में, या वो पार्टनरशिप कितने टाइम तक रहेगी, उसके अवसान के बारे में, पर्यावसान के बारे में कोई टाइम पर्टिकुलर रूप से फिक्स ना किया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इच्छाधीन भागीदारी कहेंगे, पार्टनरशिप एटीट्यूड कहेंगे, क्योंकि वो पक्षकारों के, पार्टी की इच्छा पे चल रही है, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बनाया गया कि इतना टाइम तक वो चलेगी। अब इसी को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे एक्स एंड वाई, इन दोनों ने क्या किया, एक शूज का जो है वो दुकान खोलते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन उन्होंने ये उस पार्टनरशिप में एक कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा कि हमारा कितने टाइम तक पार्टनरशिप चलेगी, कब तक चलेगी और कब समाप्त होगी। तो इन एक्स और वाई के बीच की जो पार्टनरशिप, क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप एट विल, इच्छाधीन भागीदारी। अब प्रश्न यहां इसको देखना जरूरी है कि इस भागीदारी को कैसे समाप्त करेंगे, पार्टनरशिप एट विल हाउ कैन बी डिसॉल्व, कैसे समाप्त की जाएगी। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 43। सेक्शन 43 में पार्टीज को नोटिस देकर के ऐसे भागीदारी को, ऐसे पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ये अभी हम इसको पार्ट टू में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि सेक्शन 7 को सेक्शन 43 से कनेक्ट करना जरूरी है। जब आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो इसको 43 के साथ कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये प्री के साथ मेंस भी क्वेश्चन पूछेगा कि इच्छाधीन भागीदारी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप एट विल, एंड हाउ कैन पार्टनरशिप एट विल बी डिसॉल्व। तो यहाँ आपको सेक्शन 43 इंक्लूडिंग 7 के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका है वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी किसको बोलते हैं? विशिष्ट भागीदारी। विशिष्ट भागीदारी क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप को सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। यहां पे दिया होगा सेक्शन 8 में क्या डिफाइन किया गया है, कि ऐसी भागीदारी, ऐसी पार्टनरशिप जो किसी विशिष्ट प्रोद्यम या उपक्रम के लिए किया गया हो, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर एडवेंचर या किसी अन्य चीज के लिए किया गया हो, अंडरटेकिंग वर्ड दिया, एडवेंचर और अंडरटेकिंग, यानी कोई विशिष्ट प्रोद्यम या उपक्रम के लिए किया गया है, तो उसे हम विशिष्ट भागीदारी कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स है, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई, ये दोनों इलाहाबाद में एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं कि वो केवल क्या करेंगे, केवल मोटर व्हीकल यानी कार का जो है क्या करेंगे, कार को सेल करेंगे और परचेज करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। अब यहां पे क्या है, सिर्फ एक्स और वाई के बीच में जो पार्टनरशिप है वो किस बात पर है, केवल कार के खरीदने और बेचने पर डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप माना जाएगा, स्पेसिफिक पार्टनरशिप माना जाएगा, विशिष्ट भागीदारी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक पर्टिकुलर प्रोद्यम के विषय में ही है, अन्य किसी के पास, अगर ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप तब नहीं कही जाती जब ये सारे काम करते, हर प्रकार के कार भी खरीदते और बेचते, मोटरसाइकिल भी खरीदते, ट्रक भी खरीदते, ट्रैक्टर खरीदते, तब इनका पार्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं होता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपने को सीमित किया कार के खरीदारी और बिक्री के लिए, इसलिए क्या कहलाया गया, पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 कहां से दिया गया है, कहां तक है, 9-17 तक है। और चैप्टर 3 आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चैप्टर वाइज भी आ रहे हैं, हर चैप्टर करने के कितने चैप्टर्स हैं, आपको पता है कि चैप्टर 8 चैप्टर हैं, किस चैप्टर में कितने सेक्शन से जाना चाहिए। तो यहाँ पे चैप्टर 3 में 9-17 का डिस्कशन किया गया, क्या दिया है कि रिलेशन ऑफ पार्टनर टू ईच अदर, यानी भागीदारों के आपस में क्या रिलेशन है, क्या उनके बीच में संबंध है, ये चैप्टर 3 में डील किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या संबंध है। तो पहली बात तो आते हैं सेक्शन 9 पे, क्या कहता है कि जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, यानी भागीदारों के एक दूसरे के प्रति सामान्य कर्तव्य क्या, जनरल ड्यूटी क्या होनी चाहिए भागीदारों के बीच में। तो दिया गया है पहली ड्यूटी क्या है, कि जो पार्टनरशिप है वह ग्रेटेस्ट एडवांटेज चलाई जाएगी, मतलब अत्यधिक लाभ में चलाया जाएगा। भागीदारों का ये उद्देश्य होगा आपस में कि भागीदारी को एक हाई लेवल पे, एक हाई लेवल बेनिफिट चलाएं, वो ग्रेटेस्ट एडवांटेज चलाएं, पहला ड्यूटी हो गई आपस में। और दूसरी क्या होगी, जस्ट एंड फेथफुल रिलेशन, उनके बीच में जस्ट और
फेथफुल है, उनके बीच में पारस्परिक वफादारी का संबंध होना चाहिए, ईमानदारी वफादारी होनी चाहिए, तभी कोई जो है पार्टनरशिप या फंड डेवलप होगी। उसके बाद तीसरा जो दिया है उसमें दिया कि ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, वो जो बहिया है उनकी सही जानकारी और पूरी जानकारी भागीदारों को होनी चाहिए, सारे भागीदारों को किसी भी फर्म के खाता और बहियों की पूरी और सही सही जानकारी होनी चाहिए। तो सेक्शन 9 में ये तीन राइट्स दिए गए हैं, तीन ड्यूटीज हैं उनकी, ठीक है। अब सेक्शन 10 में जो है वो कह रहा है कि क्या अगर कोई भी पार्टनर किसी फर्म का अगर अपने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई फ्रॉड करता है, कपट करता है, क्या लायबिलिटी होगी। तो हमें दे दिया है कि एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई टू एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द एनी पार्टनर इन द कोर्स ऑफ कंडक्ट, यानी कारोबार के आचरण में अगर कोई भी भागीदार कोई ऐसा कपट करता है तो सभी भागीदारों की ये ड्यूटी होगी को क्या करेंगे, उसके लिए क्षतिपूर्ति देंगे। ये सेक्शन आप 10 में देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि सेक्शन 11 पे क्या कहा गया, देखिए। तो 11 में डिटरमिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स बाई कंडक्ट, तो ये आप इसको देख सकते हैं, कुछ ड्यूटीज दी गई है कि कैसे भागीदारों के अधिकार और दायित्व तो कैसे डिसाइड किए जाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भागीदार आपस में कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ये डिसाइड करेंगे उनके क्या राइट्स लाइबिलिटी क्या ड्यूटीज होंगी, ये सेक्शन 11 करता है। और अब सेक्शन 12 दिया गया है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ देखिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में क्या क्या दिया गया है, तो उस कारोबार का संचालन कैसे किया जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि राइट क्या है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सभी भागीदारों की यह राइट होगा कि उस बिजनेस के कारोबार में कंडक्ट में क्या करेंगे, भाग लेने का अधिकार, राइट टू टेक पार्ट यानी भाग लेने का अधिकार है। दूसरा राइट क्या है, अटेंडिंग डिलीजेंसली द ड्यूटी, अपने जो कर्तव्य को क्या करेंगे वो तत्परता से निभाएंगे, जो उनका कर्तव्य डिसाइड किया गया उसको सावधानी और तत्परता से निभाएंगे, ये उनका राइट है और ड्यूटीज भी है। तीसरा दिया कि चेंजिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, और कारोबार के प्रकृति में वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, अगर लगता है कि इस कारोबार से उनको फायदा नहीं हो रहा है केवल घाटा हो रहा है तो कारोबार को परिवर्तित भी कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा जो फोर्थ डिफरेंस है, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स, और वो जो बहियां हैं जो खाता बही होती है उनको निरीक्षण करने का राइट होता है। तो सेक्शन 12 में ये चार राइट होता है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी पीटी क्वेश्चन तो मेंस में भी क्वेश्चन 10 नंबर के आ जाएंगे, 10 मार्क्स या 5 मार्क्स से, ये पीटी और मेंस के दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेक्शन 13 में क्या दिया गया है, तो इसमें म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी, भागीदारों के पारस्परिक अधिकार कर्तव्य क्या, आपस में उनके अधिकार कर्तव्य क्या, यहाँ आपने पढ़ा ये जनरल ड्यूटी थी, यहाँ पे म्यूचुअल राइट्स लायबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, पहली बात दे रहा है कि कोई भी भागीदार जो पार्टनर है वो पारिश्रमिक की मांग नहीं करेगा, नो राइट फॉर रिमुनरेशन, पारिश्रमिक भागीदार हैं आप तो आप पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे, तनख्वाह नहीं मांगेंगे आप, पहली बात। दूसरा दिया है टू शेयर ऑफ द कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉस, अगर कोई भागीदारी में कोई लाभ हो रहा है कोई हानि हो रही है तो उसमें आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, अगर लाभ हो रहा है तो आप उसको पाएंगे, अगर हानि हो रही है तो आपको उसमें शेयर करना पड़ेगा। तीसरी ड्यूटी क्या है, राइट टू ऑब्टेन द इंटरेस्ट, अगर फर्म भागीदारी में कोई फायदा हो रहा है कोई इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो पार्टनर्स का राइट है उसको पाने का, ऑब्टेन करने का राइट है। और जो फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ पॉइंट इसमें राइट टू इंडेमनिटी, यानी कि अगर कोई फर्म में क्षति होती है तो सबको क्या होगा, वो क्षतिपूर्ति करने का अधिकार है और पाने का भी अधिकार है। ये सारे अधिकार 13 दिए गए हैं। अब आते हैं सेक्शन 14 में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी किन किन चीजों को फर्म की प्रॉपर्टी माना जाएगा, इसके लिए आप बताते हैं। पहला दे रहा है क्या कि जो फर्म में स्टॉक है वो क्या है, जो प्रॉफिट है वो क्या है, फर्म की प्रॉपर्टी है। दूसरा कह रहा है कि फर्म की प्रॉपर्टी मानेगी अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, अपने पास अर्जित की गई है, खरीदी गई है, वो सारी प्रॉपर्टी फर्म ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगी। तीसरा देना क्या, राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, और राइट जो अधिकार हैं जो और जो इंटरेस्ट है वो सारी चीजें क्या होंगी, वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी फर्म की। और उसके बाद जो फोर्थ है गुडविल, गुडविल को भी फर्म की प्रॉपर्टी माना जाता है क्योंकि अगर कोई कंपनी है कोई फर्म अगर उसकी अच्छी ख्याति अच्छी गुडविल है, इट इज आल्सो ट्रीटेड एज ए
प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसको किसमें कहा गया है? इसको ट्रैगो वर्सेस हंट का केस है, बहुत लैंडमार्क केस है सेक्शन 14 पे, ट्रैगो वर्सेस हंट का केस। इसको आप जरूर एक बार देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और ये कब लेट डाउन किया गया? 1846 में। तो आप सेक्शन 14 को इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सेक्शन 15 पे आते हैं कि सेक्शन 15 में क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, आखिर मतलब है कि उस फर्म में जो प्रॉपर्टी उसका किस पर्पज से किया जाएगा। तो जो फर्म के प्रॉपर्टी है वो बेसिकली पर्पज ऑफ बिजनेस, उस सारे पार्टनर जो है उस फर्म के प्रॉपर्टी को बिजनेस के पर्पज से यूज करेंगे, ये सेक्शन 15 में कहा गया है। सेक्शन 16 कह रहा है कि पर्सनल ऑफ द प्रॉफिट नेम्ड बाय द पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर फर्म का अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल फायदे के लिए कोई अगर गेन करता है, कोई व्यक्तिगत लाभ लेता है, तो उसमें क्या उसकी लायबिलिटी होगी इस कंडीशन में। तो इसके बारे में स्टोरी ने क्लियर कट कहा है कि स्टोरी ने कहा कि जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के एजेंट होते हैं। इस बात को सेक्शन 18 में भी कहा गया है कि जो पार्टनर होते हैं वो फर्म के एजेंट होते हैं, इसलिए वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी फर्म में कोई संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे। ये इसलिए सेक्शन 16 साफ साफ इस बात को मना करती है पार्टनर के लिए। अब आते हैं सेक्शन 17 में। 17 में क्या लिया है कि राइट्स ऑफ ड्यूटीज एंड पार्ट लाइक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य क्या है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इन कंडीशन में बता रहा है, क्या बता रहा है कि अगर कोई फर्म में चेंज हो जाता है, तब्दीली करती है, तो उस समय भागीदारों के क्या राइट्स होंगे, क्या लाइबिलिटी होंगी। अगर कोई फर्म जो एक्सपायर हो गई हो तो उस कंडीशन में भागीदारों के राइट्स लाइबिलिटी क्या होंगे। अगर कोई एडिशनल एडवेंचर स्टार्ट किया गया है या कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट किया गया है, उस कंडीशन में जो पार्टनर्स के राइट्स और लाइबिलिटी क्या होंगे, तो सेक्शन 17 में क्लियर कर दिया गया है किन कंडीशन में होने के बाद भी पार्टनर्स के लाइबिलिटी और राइट्स वही होंगे जो उनके पहले के फर्म में राइट्स लाइबिलिटी थे, यानी उनके पहले के फर्म के राइट लाइबिलिटी ही माने जाएंगे। इसके परिवर्तन होने से उनके राइट्स लाइबिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं सेक्शन 18 पे क्या है। ये चैप्टर 4 में डील किया गया 18 से 30 तक किया गया। तो चैप्टर 4 में पहला सेक्शन आता है 18, जो कहता है कि एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, यानी कि जो प्रत्येक भागीदार फर्म का क्या है, एजेंट है, अभिकर्ता है, इसलिए उसको एजेंट के रूप में काम करना है। सेक्शन 19 दिया गया कि अब सेक्शन 19 में दिया गया कि कुछ ऐसे भी इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, भागीदारों के कुछ जो है वो विवक्षित अधिकार होते हैं जो क्लियर कट साफ साफ नहीं दिया गया, लेकिन उनको भी उसका करना पड़ता है। तो पहले क्या क्या दिया है देखते हैं यहाँ पे है। कि पहला दे रहा है कि पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ द फर्म, ये तो है ही, भागीदार जो फर्म के रूप में एजेंट के रूप में काम करते हैं। फिर वो कह रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी मध्यस्थ को वो निर्देशित कर सकते हैं। अगर कोई बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो मध्यस्थ को सॉल्व करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। उसके बाद वो उसमें फर्म के लिए क्या होता है, बैंक अकाउंट खोलेंगे, खाता खोलेंगे अपने नाम से या फर्म के लिए भी कर सकते हैं। और दूसरा दिया है कि अगर कोई फर्म में कोई क्लेम किया गया है तो उनका सेटलमेंट भी कराएंगे, उनका निस्तारण भी कराएंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो फर्म के लिए क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उसको अर्जित कर सकते हैं, अचल संपत्ति को भी अर्जित करने का उन्हें अधिकार दिया गया, विवक्षित अधिकार दिया गया है। और ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये सारे राइट्स जो है सेक्शन 19 के तहत किसमें आते हैं, वो विवक्षित अधिकार में आते हैं इस चीज के लिए। अब इसके बाद हम आपको अब देखते हैं सेक्शन 20 से 24 के बारे में क्या प्रोविजन किया गया है। अब इसमें आपको सेक्शन 20 से 24 में आपको खुद एक बार एक ब्रीफिंग करना है, रीडिंग करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 25 है। 25 क्या कहती है कि हमने पढ़ा है टॉर्ट में, लॉ ऑफ टॉर्ट में एक वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है, यानी प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पार्टनर भी होता है वो क्या होता है, उसका सेम लाइबिलिटी होती है, चाहे वो उस फर्म में ज्वाइंटली लाइबिलिटी हो सकती है या सेवरल, यानी उसका संयुक्त रूप से और पृथक से दोनों तरीके से लाइबिलिटी होती है। ये सेक्शन 25 में कह दिया गया कि जो प्रत्येक भागीदार हैं उनकी लाइबिलिटी
ज्वाइंटली भी होगी और सेवरली भी होगी, यानी संयुक्त रूप से या पृथक रूप से दोनों तरीके से लायबिलिटी होगी। इसलिए क्योंकि जो पार्टनर हो, जो फर्म का पार्टनर होता क्या होता है, वो एजेंट होता है, तो यहाँ पे दोनों होगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 26 पे, क्योंकि हमने सेक्शन 10 को इससे करेक्ट करना पड़ेगा। हमने सेक्शन पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड करता है फर्म के कोर्स ऑफ उसमें काम में, तो क्या होगा, वो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी सेम होगी। तो यहाँ पे वही कहा गया कि अगर कोई पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है फर्म के लिए, कोई सदोष कार्य करता है, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में आखिर फर्म की क्या लायबिलिटी होगी, पार्टनरों की क्या लायबिलिटी होगी। तो ऐसे कंडीशन दिया है कि अगर वो, इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो जो रॉन्गफुल एक्ट किया गया है वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से किया गया, उसके पर फर्म के कार्य के लिए किया गया होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, और भागीदारों की सीमा तक किया गया हो, जिस सीमा तक किसी भागीदार को किसी काम करने के लिए अथराइज किया गया। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो प्रत्येक रॉन्गफुल एक्ट के लिए भागीदारों के, सारे भागीदारों की लायबिलिटी समान रूप से होगी। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक केस लॉज है, हरकचंद वर्सेस गोविंद लाल का केस है, सेक्शन 26 पे लैंडमार्क केस है। इसमें था कि ए और बी दो पार्टनर थे और दोनों क्या करते थे, कपड़े के कट पीस कपड़े का व्यापार करते थे। अब उसमें ए क्या करता है, ए जो है बी के नॉलेज के बिना कुछ चोरी के कपड़े खरीदता है और वो फर्म के नाम से उसमें बता देता है। तो बाद में जब वो पकड़ा जाता है, जो उनका, उनको संयुक्त रूप से दोषी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका जो काम था वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था और वो भागीदारों के एक लिमिट में और एक उसमें अथॉरिटी में आता था। ये सेक्शन 26 आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, देखते हैं, अब जैसे 27 और 29, इसको आप अपने से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं, देखते हैं 28 और 30 पे, मैं इसको बताऊंगा क्योंकि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो, हर परीक्षा में पार्टनरशिप जरूर पूछा जाता है। अब देखते हैं 28 क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, यानी व्यवदेशन का सिद्धांत है। तो यहाँ पे समझना होगा कि व्यवदेशन का सिद्धांत क्या है। तो इसके पहले आप, हम आपको बता दें कि जो होल्डिंग आउट का जो प्रिंसिपल है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 पे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल पे था। स्टॉपल क्या होता है आपको पता ही होगा, स्टॉपल का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी अपने एक्ट द्वारा, किसी डिक्लेरेशन के द्वारा, ओमिशन के द्वारा क्या करता है, किसी बात को मिसरिप्रेजेंट करता है, और दूसरा पर्सन जब उसमें कोई चीज अपनी कंडीशन में, स्टेटस में चेंज करे, परिवर्तन करता है, तो पहले पर्सन को सही बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता है। तो यहां भी कह रहा है कि ये जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म का अपने को पार्टनर बताता है लेकिन वो पार्टनर है नहीं, और दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, एक थर्ड पार्टी क्या करता है, उस फर्म के लिए पैसा देने के लिए उकसाता है, या वो व्यक्ति खुद विश्वास करके देता है पैसा, प्रत्यय लगाता है, तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति की, जो पहला व्यक्ति, उसकी लायबिलिटी होगी सेक्शन 28 के तहत, क्योंकि ये व्यवदेशन माना जाएगा उसको। अब ये देखते हैं कि ये केस जो है, ये सबसे पहले कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का सबसे पहले रिफ्रेजर के केस में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेजर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना होगा, क्योंकि इसमें लॉर्ड एसर ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल पहली बार एस्टेब्लिश किया, प्रोपाउंड किया। तो ये कंसेप्ट रिफ्रेजर केस और लॉर्ड एसर का, ये पूछा जा सकता है प्री में। अब उसके बाद इसमें देखते हैं कि इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के लिए दो कंडीशन रखे गए, पहला कि मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए कि ऐसे मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई थर्ड पार्टी उस फर्म के लिए क्या करता है, कुछ पैसा लगाता है, कुछ उधार पैसा देता है। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो माना जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कि ऐसा व्यक्ति चाहे अपने शब्दों द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, या किसी घोषणा के द्वारा, या लिखित कथन के द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास कराता कि मैं इसका पार्टनर हूं, तो इसी को कह रहा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे किसी के द्वारा, चाहे वर्ड्स के द्वारा, ओमिशन के द्वारा, कंडक्ट के द्वारा हो, ठीक है। तो करकुट वर्सेस चीथम स्मिथ का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा कि द पहली कंडीशन है डॉक्टर ऑफ होल्डिंग आउट के लिए कि वहां पे क्या होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मिथ्या व्यवदेशन होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल नहीं लागू होता। दूसरा क्या है,
दूसरा इसमें दे रहा है कि वो उसपे फर्म के लोन दिया गया होना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट लागू नहीं होता है। तो पहला प्रिंसिपल, पहला क्या है, डिसीज पार्टनर, यानी जो पार्टनर जो है, जो मृतक है, मर गया है, वो पार्टनर में भी ये लागू नहीं होगा। दूसरा है इंसॉल्वेंट पार्टनर, जो सेक्शन 34 की क्लास 1, 45 क्लास 1 और 45 क्लास 2 के तहत क्या होता है, इंसॉल्वेंट कर दिया जाता है, कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर देता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। अब इसके बाद तीसरा है इनएक्टिव पार्टनर, जो ऐसा पार्टनर जो इनएक्टिव हो गया हो, जो एक्टिव नहीं है, वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का सिद्धांत लागू नहीं होता है। और टार्ड और क्राइम में भी नहीं लागू होता। इसके साथ साथ माइनर है, जो वयस्क है, जो अवयस्क है, यानी माइनर, वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल उसके ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये बेसिकली ये चीजें हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के लिए, जो प्री के और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 30 पे हम देखते हैं कि अब सेक्शन 13 क्या कहा गया है। तो सेक्शन 30 भी ये देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं, इसलिए इसको आप ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए अच्छे से तैयार रखना है। अब देखिए सेक्शन 13 क्या कहता है कि माइनर की एंट्री फर्म में होगी कि नहीं होगी। हमें पता है, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि जो माइनर है वो संविदा करने में असमर्थ है, ए माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो संविदा नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो संविदा नहीं कर सकता तो क्या क्या पार्टनरशिप में उसकी एंट्री हो सकती है? जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 30 कहता है कि माइनर की पार्टनरशिप में एंट्री नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने लाभ के लिए, फायदे के लिए अगर आना चाहता है तो वो एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन रखी गई है कि सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें। अगर सारे पार्टनर ने अपनी कंसेंट दे दी है तो वो एज ए पार्टनर नहीं बल्कि उस अपने लाभ के लिए, जो उसका लाभ है, जो उसका शेयर, उसके लिए एंट्री कर सकता है। ये सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है, ठीक है। तो अब यहां पे इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि एक भागीदार, एक अवयस्क जो है वो भागीदार के रूप में फर्म एंट्री नहीं करेगा, लेकिन अपने लाभों का अंश पाने के लिए उस फर्म में उसका प्रवेश हो सकता है, उसकी एंट्री हो सकती है, अगर सारे भागीदार अपनी अनुमति, अपनी कंसेंट दे देते हैं। इसी बात को, इस पर एक बहुत लैंडमार्क केस है, सीआईटी वर्सेस द्वारका दास खेतान कंपनी लिमिटेड का मामला है। यानी सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस द्वारका दास खेतान कंपनी, 1961 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह लॉ सेटल किया कि एक पार्टनर जो, एक माइनर जो है, वो किसी फर्म में फुल रूप से फुल पार्टनर नहीं बन सकता है, शूट पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन अपने लाभ के लिए वो एंट्री पा सकता है अगर वो पार्टनर सारे कंसेंट दे दें। इसी बात को इसमें कहा गया है। अब यहां पे देखते हैं कि जो माइनर है वो अगर एंट्री हो जाती है तो उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले उसके पास राइट्स होंगे कि वो प्रॉफिट और अकाउंट को इंस्पेक्शन कर सकता है, वो लाभों को प्राप्त कर सकता है, जो उसके शेयर में, जो उसके हिस्से के लाभ प्राप्त कर सकता है, और उस अकाउंट को इंस्पेक्शन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसे इलेक्शन का राइट होगा। इलेक्शन का राइट किस कंडीशन में, अब वो माइनर था लेकिन जब वो मेजर हो गया, यानी 18 वर्ष पूरा कर लिया, तब उसको चुनाव का अधिकार दिया जाएगा कि वो चाहे तो फर्म में बना रहे या फर्म से चला जाए। तो जब वो 18 वर्ष होने के 6 मंथ के भीतर, विद इन 6 मंथ आफ्टर बीइंग द मेजर, उसके पास राइट टू चॉइस करने का अधिकार होगा कि वो 6 महीने के अंदर, यहां पे 6 मंथ की कंडीशन दी रही है, 6 मंथ यहां पे है, उसके अंदर क्या करना होगा, उसे चुनाव करना होगा कि वो भागीदार का बनना चाहता है, ये बनना चाहता। अगर वो भागीदार ना बनने की पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा कि उस फर्म का भागीदार हो गया है। तो ये इसके हो गए। अब एक चीज और देखते हैं कि क्या भागीदार को, क्या माइनर को किसी विवाद के लिए लायबल बनाया जाता है, कोई प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट होता है फर्म में, क्या उसके लायबल बनाया जाता है। तो यहां पे दिया एक चीज क्लियर है कि उस माइनर को लाभों के, फर्म में जो लाभ हो रहे हैं उसका जो शेयर है उसके लिए लायबल बनाया जा सकता है, लेकिन उस माइनर की पर्सनल लायबिलिटी यहां पे कुछ नहीं होगी। ये चीज यहां पे क्लियर कर दिया गया है। तो ये बेसिकली
ये चीज आपको जानना है। और दूसरा जो है वो उसको राइट टू इलेक्शन का अधिकार होगा, अगर वो राइट टू इलेक्शन कर लेता है तो वो पूर्ण रूप से भागीदार मान लिया जाएगा, उसके राइट लाइबिलिटी सेम हो जाएंगे जैसे वो पहले से था। तो ये सेक्शन 30 पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस तरीके से देखना है, इसका 60 नोट्स ऐसे बना लेना है और अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो इसके बाद हम इसका जो पार्ट टू स्टार्ट करेंगे वो होगा सेक्शन 31 से लेकर के 74 तक स्टार्ट करेंगे। और हम इस चीज और कहना चाहेंगे कि ये अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मुझे इस बात का पता चलना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें और चाहिए या कौन कौन सी चीजों को आपको समझने में अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही आपको थैंक यू।